नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश के सबसे विश्वस्त यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए जो प्रोफाइल लेकर आए हैं वे अंजलि मैम का है। अंजलि मैम को अपने बंगले के लिए एक ईमानदार और मेहनती सिक्योरिटी गार्ड की तलाश है जो इनके घर और परिवार की अच्छे से देख कर सके। अंजलि मैम अपने परिवार को लेकर काफ़ी चिंतित रहती हैं, तो वे चाहती हैं जो भी सिक्योरिटी गार्ड हो वो मेहनती और ईमानदार हो और इनके साथ लंबे समय तक काम करने का इच्छुक हो। अंजलि मैम के हस्बैंड का बहुत बड़ा बिजनेस है जिसके चलते वे अधिकतर बाहर रहते हैं और उनका घर आना बहुत कम होता है, इसीलिए वे चाहती हैं कि सिक्योरिटी गार्ड मेहनती और ईमानदार हो और लंबे समय तक इनके साथ काम करें। यदि आप अंजलि मैम यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बीच में कहीं भी ना छोड़े, क्योंकि आगे और भी जॉब से जुड़ी जानकारियां मैं दूंगा और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस जॉब के लिए आवेदन कैसे करेंगे। और इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो लाइक ना की हो तो लाइक कर दें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड की क्या क्या काम रहेंगे और क्या क्या जिम्मेदारियाँ रहेंगी। तो मेन गेट की ड्यूटी करना जो मुख्य काम रहेगा और साथ ही घर और परिवार की सुरक्षा करना, जिसको लेकर अंजलि मैम अधिकतर चिंतित रहती हैं। अंजलि मैम का कहना है कि खाली समय में उसे पेड़ पौधों को पानी देना होगा और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर उसको घर के अंदर होने वाले छोटे बड़े कामों में भी सहायता करना पड़ेगा, जैसे बाजार से सामान ला देना या घर के अंदर सामान को इधर से उधर कर देना आदि इस तरीके का। अंजलि मैम का कहना है कि उसको जो भी काम बताया जाए वह बिना लापरवाही के करे और किसी भी काम में कोई आपत्ति जताए ना। यदि वो ऐसा होता है, लापरवाही जताता है या आपत्ति होती है, क्योंकि अंजलि मैम आपको कुछ भी काम दे सकते हैं, अगर आपको लगता है ये सब काम आप कर सकते हो तो ही इस जॉब के लिए आवेदन करें, अन्यथा इस जॉब के लिए आवेदन ना भेजें। दोस्तों मैम का कहना है कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड होगा वह नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए और किसी भी तरीके का नशा आदि नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आप इस जॉब के लिए योग्य नहीं होंगे। दोस्तों बात करें इसमें एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, चाहे आपने पहले काम किया है या नहीं। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इस जॉब के लिए अपना आवेदन भेज सकेंगे। दोस्तों बात करें इस जॉब पर मिलने वाली सुविधाओं की, तो दोस्तों सुविधाएँ जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको रहने और खाने की सुविधा दी जाएगी, जो सबसे बढ़िया सुविधा मानी जाती है। साथ ही आपको अंजलि मैम द्वारा एक मोबाइल फ़ोन भी दिया जाएगा कॉलिंग और इंटरनेट की सुविधा के साथ, जो आपके पर्सनल यूज़ के लिए आपके पास में ही रहा करेगा। दोस्तों हफ्ते में एक छुट्टी दी जाएगी और साल में 18 छुट्टियाँ आपको अलग से मिलेंगी, जो आप कभी भी या थोड़ी थोड़ी करके एक साथ ले सकेंगे। दोस्तों अगर काम के दौरान आप बीमार पड़ते हैं या कोई दुर्घटना घटती है तो कंपनी द्वारा ही आपके संपूर्ण इलाज का खर्चा उठाया जाएगा, आपको कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों बात करें इसमें सैलरी की, तो दोस्तों सैलरी बहुत अच्छी दी जा रही है, 44,200 रुपये महीना की आपको सैलरी दी जा रही है। और साथ ही मैम का ये कहना है अगर उनका काम पसंद आता है और अच्छा लगता है तो वे उसकी सैलरी भी बढ़ा देंगे, क्योंकि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दोस्तों सैलरी आपको कैश में नहीं मिलेगी, सिर्फ 3 तारीख को बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि इनके दूसरे वर्कर जो ड्राइवर होता है, नौकर होता है, कुक है, उन लोगों के साथ में ही आएगी। दोस्तों बात करें इस पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता है, तो योग्यता सबसे पहले जान लेते हैं, तो 8वीं पास 10वीं पास होना आपके लिए अनिवार्य है, तभी इस जॉब के लिए आवेदन कर सकेंगे। बात करें इसमें आयु सीमा की, तो कम से कम 18 वर्ष या अधिकतम 50 वर्ष तक के ही व्यक्ति ही इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि 50 वर्ष से आपकी अधिक आयु है और आपको अनुभव अच्छा है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन भेज सकते हैं। दोस्तों आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र और एक पहचान पत्र देना होगा, जिसमें आप बताएंगे कि आपने अबसे पहले कोई गलत काम नहीं किया। ये जॉब जो निकली है दोस्तों ये बैंगलोर लोकेशन के निकली है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना अनिवार्य होता है, तभी हम आपका प्रोफाइल आके भेजते हैं। इसके बाद वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक आवेदन फॉर्म होगा जिसे आप भर के हमें भेज सकते हैं। तो मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।